पिछले एपिसोड में हमने देखा था फ्रीनबेकी को एक एज शूट करना था बट उनकी टीम ने ये शूट के बारे में फ्रीनबेकी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी होती है और पुंसाक के द्वारा उन दोनों को ये शूट के बारे में पता चलता है एंड फाइनली फ्रीनबेकी एज शूट करने शूट हाउस पर पहुंचती है वहां पर उनकी फ्रेंड और अंतारा पूंसाक का भी कुछ होट होट शूट चल रहा होता है एंड साथ में फ्रीनबैकी का भी शूट लिया जाता है और शूट हाउस पर कुछ फ्रीनबैकी एंड उनकी फ्रेंड के बीच कुछ फ़नी बातचीत होती है सबका शूट एंड होता है और सभी लोग अपने अपने घर के लिए चले जाते हैं और फ्रीनबेकी भी अपने हाउस के लिए निकल जाते हैं एंड रास्ते में उनके बीच कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है वो दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाती है और इस सब के कारण उनकी कार रोड पर विदाउट पार्किंग के खड़ी होती है जिसकी वजह से रोड पर ट्रैफिक जमा होने लगता है And फ्रीन कहती है आई थिंक्स हमें घर चलना चाहिए एंड बेकी भी यही कहती है या सो हमें अब हाउस चलना चाहिए एंडफ्रीन बहुत फास्ट ड्राइविंग करके अपने हाउस पर पहुंच जाती है वो दोनों ही हाउस के अंदर एंट्री करते हैं एंड जैसे ही हाउस के अंदर जाते हैं फ्रीन की मोम सामने आ जाती है बिकॉज वो वेट ही कर रही होती है कि फ्रीन कब घर आएगी बट फ्रीन के साथ बेकी भी आ गई है जब फ्रीन की मोम बेकी को देखती है तो वो वाकई में सोकड़ होती है एंड फ्रीन की मोम अपने मन में सोचती ये बेकी आज फिर से फ्रीन के साथ घर आ गई एंड फ्रीन और बेकी अंदर जाते हैं एंड दोनों ही मोम को सोरी खा बोलती है मतलब नमस्ते बोलती है तभी फ्रीन कहती है मोम आप अभी तक सोए नहीं हो मोम कहती है मैं आपका वेट कर रही थी बेटा फ्रीन आज आप इतना लट कैसे हो गए जब मोम ये कहती है तो फ्रीन बैकी एक दूसरे के फेस की ओर देखते हैं एंड बहुत ही जल्दी से फ्रीन मोम से कहती है मोम आज शूट पर बहुत टाइम लग गया था और ये शूट के बारे में किसी ने हमें कोई इन्फॉर्मेशन पहले से दी ही नहीं थी एंड मोम आप मॉर्निंग में टीम से बात करना ये स्टाफ कोई भी ठीक से काम नहीं कर रहे हैं फ्रीन की मोम कहती है बेटा ये सब मैं देख लूंगी एंड तुम दोनों थक गए होंगे कुछ खाना पीना करके रेस्ट ले लो ओके okay. सुबह बात करना फ्रीन नोट करती है एंड मोम से कहती है ओके okay. फ्रीन एंड बैकी जल्दी से अपने रूम पर जाते हैं फ्रीन साइड में अपने हैंडबैग को फेंक देती है एंड अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है और बैकी से कहती है आज का दिन बहुत ही थका देने वाला था तभी बैकी फ्रीन के पास जाती है फ्रीन से कहती है अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है और स्वीटहार्ट इतना जल्दी थक गए आप आज तो आपको पूरी नाइट मुझे लव करना है और ये कहते हैं कि बेकी फ्रीन के चिक्स पर बहुत क्यूटली किस करती है तभी फ्रीन एक दम खड़ी हो जाती है कि बेकी फिर से शुरू हो जाएगी और मुझे लगी है भूख पर जैसा है फ्रीन खड़ी होती है बेकी उसे इस तरह से होल्ड कर लेती है मानो वो उसे छोड़ने वाली नहीं है फ्रीन धीरे धीरे पीछे होती जा रही थी और बेकी फ्रीन को वॉल की ओर करती है एंड बेकी फ्रीन को वॉल पर प्रेस करके कहती है जान हालत देख रहे हैं आप मेरी अगर आप मुझे अभी नहीं मिले ना तो मर जाऊंगी मैं फ्रीन जब बेकी की इस तरह की बात को सुनती है वो खुद को स्टॉप कर लेती है उसे रियलाइज होता है बेकी को इस टाइम उसकी बहुत नीड है तभी फ्रीन बेकी के हैड पर किस करती एंड बेकी से कहती है काम डाउन जानू और बेकी को बहुत टाइटली हक कर लेती है रिलैक्स करने के लिए तभी बेकी फ्रीन के नेक पर किस करती है वो दोनों एक दूसरे को स्मेल करते हुए बहुत क्लोज आ जाते हैं एंड तभी उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से टच होते हैं जैसे ही उन दोनों के लिप्स एक दूसरे से टच होते हैं दोनों की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है बैकी फ्रीन के लिप्स पर बहुत ही सॉफ्टली मूवमेंट करती है धीरे धीरे फ्रीन की ब्रीदिंग भी बहुत फास्ट हो जाती है फ्रीन भी को लिप्स पर बहुत स्वीटली किस करती है और बेकी तो इस टाइम बहुत ही बेकाबू है उसको रोकना मानो बहुत टफ है इस टाइम बेकी फ्रीन को किस करते हुए उसके ब्रेस्ट पर हैंड से टच करते हुए उसकी चेस्ट पर किस करती है एंड धीरे धीरे फ्रीन की नीच की ओर जाने लगती है तभी फ्रीन कहती है जानू मुझे लगता है अभी हमें स्टॉप होना चाहिए और मुझे भूख भी लगी है एंड बेकी मानो उसे कुछ सुनाई नहीं दिया है वो खुद को कंटिन्यूस रखती है तभी फ्रीन कहती है ओह बेकी स्टॉप्स दिस मुझे भूख लगी है बेकी फ्रीन की ये वॉइस टोन सुनकर फ्रीन को छोड़ देती है और खुद को उसे दूर कर एक सेड फेस के साथ में एक साइड को खड़ी हो जाती है जब फ्रीन बेकी की ओर देखती है उसे रियलाइज होता है कि बेकी उसकी बातों से अपसेट हो गई है एंड फ्रीन बेकी को पीछे से ग्रैब करती है और कहती है आई एम रियली सॉरी जानू बट मुझे सच में भूख लगी है बेकी फ्रीन की बातें पर कोई रिएक्ट नहीं करती है फ्रीन फिर से अपनी बात को रिपीट करती है तभी फ्रीन बेकी को टाइटली हक करते हुए कहती है जानू मुझे सच में बहुत भूख लगी है एंड बेकी तो मानो फ्रीन से कुछ बोलना ही नहीं चाहती है वो एकदम साइलेंट हो गई है फ्रीन की बातों का कोई रिप्लाई नहीं दे रही है तभी फीन कहती है ओ oh, प्लीज मान भी जाओ नहीं तो तभी बेकी बहुत फास्ट कहती है नहीं तो नहीं तो क्या एंड फ्रीन बेकी को अपनी ओर ट्रन करती है एंड बेकी के हाथ्स को अपने दोनों हैंड से होल्ड करते हुए कहती है नहीं तो महफूज की जगह अपने जानू के लिप्स ही खा जाऊंगी और वो बेकी के लिप्स पर बाइट करती है फ्रीन बेकी को लिप्स पर इतनी तेज बाइट करती है कि बेकी को अपने लिप्स पर पेन फील होने लगता है तभी बेकी अपने लिप्स को हैंड से कवर करते हुए फ्रीन से कहती है बस बस मुझे पता लग गया है आपको बहुत भूख लगी है कहीं आप मुझे पूरा ना खा जाए एंड बेकी ये कहकर बहुत स्माइल करती है और फ्रीन से कहती अच्छा मेरी जान को इतनी भूख लगी है चलो मैं आपको आज अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी एंड फीन भी बहुत स्माइल करती है और वो दोनों अपने क्लोथ्स चेंज कर लेते हैं एंड नाइट ड्रेस पहन लेते हैं और वो दोनों ही किचन में जाते हैं फ्रीन किचन में एक साइड पर बैठ जाती है एंड बेकी फ्रीन के लिए खाना निकालती है बट खाना तो ठंडा हो चुका है बेकी फ्रीन से कहती है खाना तो ठंडा हो चुका है क्या मैं इसे फिर से फ्राई करूँ ये सुनकर फ्रीन भी बेकी के पास आ जाती है और वो दोनों उस खाने को गर्म करने लगते हैं खाना कुछ कुछ गर्म हो जाता है और फ्रीन खड़े खड़े ही खाने को टेस्ट करती है और बैकी को भी वो खाना टेस्टिंग करने को कहती है एंड वो दोनों ही उस खाने को टेस्ट करते हैं और फ्रीन को वो खाना थोड़ा व्यर्ज सा लगता है एंड वो पहले ही कुछ फ्रूट खा चुकी है तो उसे कोई भूख नहीं है एंड फ्रीन किचन में एक टेबल पर ही बैठी होती है और वो बहुत ही प्यार से बैकी को अपनी ओर पुल कर लेती है तभी बेकी बहुत फास्ट फ्रीन से कहती है क्या बात है अभी तो आपको बहुत गुस्सा आ रहा था एंड फ्रीन कहती है बिकॉज आप हमारी लाइफ लाइन है हम जब चाहेंगे आप पर गुस्सा करेंगे एंड जब चाहेंगे प्यार करेंगे तभी बेकी अपने फेस को बहुत ही गुस्से वाला बनाकर फ्रीन से कहती है ऐसा है ना जान ऑलवेज आपकी मर्जी नहीं चलेगी और बेकी कहती है कुछ अधिकार मेरे भी है आपको लव करने के फ्रीन तभी बेकी के पेंट के दोनों पॉकेट में हाथ डालकर कहती है तो बताओ ना जानू वो क्या है तभी बेकी कहती है जैसे आपके गालों पर किस करना मेरा अधिकार है और आपके लिप्स पर किस करना ये भी मेरा अधिकार है एंड बेकी फ्रीन के बहुत क्लोज आकर कहती है जान जैसे कि आज मुझे आपके टॉप पर रहना है फ्रीन बेकी की ये सब बातें सुनकर बहुत स्माइल करती है और तभी बेकी को और भी ज्यादा टाइटली अपनी ओर हक करते हुए कहती है वो मज़ा नहीं दुनिया के किसी भी कोने में जो मज़ा है अपनी जान के ऊपर सोने में तभी बैकी ये सुनकर कहती है जान एक बार फिर से कहो एंड फ्रीन अपने थॉट को फिर से रिपीट करती है वो मज़ा नहीं दुनिया के किसी भी कोने में जो मज़ा है अपनी जान के ऊपर सोने में बैकी बहुत स्माइल देते हुए कहती है फ्रीन माई हार्ट आप मेरी जिंदगी का सुकून हो आज आपको अपने दिल की बात बोल दू जान इस दुनिया में अगर मेरे पास कुछ भी नहीं होगा और आप मेरे साथ रहोगे तो मुझे इस दुनिया में किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं एंड बेकी फ्रीन को आई लव यू कहती है और फ्रीन भी बेकी को आई लव यू टू कहती है तभी फ्रीन कहती है आज सब कुछ किचन में ही करना है और बेकी कहती है नोनों सारा मज़ा खराब हो जाएगा और वो दोनों रूम के अंदर जाते हैं बेकी आईने के सामने आकर खड़ी हो जाती है एंड एंडफ्रीन बेकी को पीछे से ग्रैब करती है एंड बेकी की बेली पर अपने लेफ्ट हैंड से टच करती है एंड राइट हैंड से बेकी की बैक की जीप को धीरे धीरे ओपन करना स्टार्ट करती है और धीरे धीरे से ही ड्रेस की पूरी जीप खुल जाती है एंड एंडफ्रीन बेकी के बैक पर किस करती है एंड बेकी को उठाकर बेड पर ले जाती है और बेकी को बेड पर लिटाकर फ्रीन बेकी को बेड में पररेस करती है एंडफ्रीन बेकी के नेक के पास जाती है नेक पर किस करती है फिर बेकी के शोल्डर पर किस करती है फ्रीन की टच से बेकी की ब्रीदिंग बहुत हाई हो जाती है तभी फ्रीन बैकी के लिप्स पर अपने लिप्स को टच करती है फ्रीन का लिप्स टू लिप्स टच करना बैकी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है और फ्रीन बेकी के लिप्स पर मूवमेंट्स करती है तभी सडनली बेकी नीचे से खुद को एकदम फ्रीन के टोप पर ले आती है तभी फ्रीन कुछ कहने वाली होती है तभी बैकी अपने एच को फ्रीन के लिप्स को कवर करते हुए कहती है क्यों किया हुआ जान एंड बैकी फ्रीन के लिप्स पर किस करते हुए कहती है जान आज मुझे आपके टोप पर रहना है और वो फ्रीन के नेक के पास जाकर उसे स्मेल करती है बिकॉज फ्रीन भी बैकी की मूवमेंट से शाई फील करती है और फील करते हुए कहती है जानू ये तो चीटिंग है एंड बेकी स्माइल देते हुए कहती है इसमें कोई चीटिंग नहीं है बिकॉज आज मेरी विश है अपनी जान के टोप पर रहने की और ये कहते ही बेकी फ्रीन की शर्ट के बटन को वन बाय वन करके ओपन करना स्टार्ट करती है एंड बेकी की टच से फ्रीन की हर्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है एंड वो फ्रीन के सारे बटन ओपन कर देती है कुछ मिनट में बेकी फ्रीन को अनड्रेस कर देती है बेकी अपने हैंड से फ्रीन की बॉडी के हर एक पार्ट को टच करती है और धीरे धीरे उसकी नीच की ओर जाना स्टार्ट करती है जैसे ही बेकी फ्रीन की नीच की ओर जा रही होती है फ्रीन बेकी को बहुत ही हाई ब्रीदिंग के साथ टाइटली होल्ड करते हुए कहती है जानू आज खुद को मेरा कर दो और खुद बहुत तेज सांसें लेती है एंड बेकी धीरे धीरे उसके प्राइवेट पार्ट तक जाती है बेकी फ्रीन के प्राइवेट पार्ट्स को टच करती है फ्रीन एकदम से एक्साइटेड हो जाती है और वो दोनों लिप्स टू लिप्स किस करते हैं एंड बेकी फ्रीन को स्मेल करते हुए उसके ईयर के पास जाकर झिमी वॉइस में कहती है जान क्या मैं फिंगर यूज करूं एंड फ्रीन अपनी हाई ब्रीदिंग के साथ धीरे से कहती है जानू कुछ होगा तो नहीं एंड तभी बेकी कहती है डोंट वरी बेबी कुछ नहीं होगा इट्स ईजी एंड बेकी अपना प्रोसेस स्टार्ट करती है और वो अपने पार्टनर के प्राइवेट पार्ट को धीरे धीरे अपने माउथ से लिख करती है एंड पांच मिनट तक उनकी ये प्रोसेस रहती है। और फाइनली कुछ देर बाद वो दोनों वो दोनों दोनों कंप्लीट करते हैं। ही बेड पर लेटे होते हैं बेकी फ्रीन की बैक पर सर रख कर लेटी होती है और वो फ्रीन से कहती है जान क्या आप हैप्पी हो एंड फ्रीन बेकी से कहती है अगर तुम मेरे साथ हो तो आई एम ऑलवेज हैप्पी एंड ऑल्सो फाइन विद यू माई लव बेकी डू यू लव मी फ्रीन कहती है एंड बेकी आंसर देते हुए कहती है ऑफ कोर्स आई लव यू टू जान एंड ये सीन यहीं पर लास्ट होता है उन दोनों को नींद आ रही होती है वो एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं और सो जाते हैं नेक्स्ट सीन टू डेज के बाद दिखाया जाता है फ्रीन बेकी नाइन एंटरटेनमेंट अवार्ड्स के लिए एक अवार्ड में जा रहे होते हैं सो गाइस ये एपिसोड यहीं पर कंप्लीट हो गया है हम आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे और आप हमें कमेंट में जरूर बताएं ये एपिसोड कैसा था आपको पसंद आया या नहीं बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग